तो आज हम अपनी वीट सेल करने वाले हैं गोल्ड क्रिस्ट वैली पे। उसके लिए हमको ट्रेन से जाना पड़ता है और उसके अलावा दूध, अंडे और हनी भी आज हम सेल करने वाले हैं। और हमारे जो दो खेत खाली पड़े थे उनमें हम नई फसल लगाएंगे। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने क्या क्या किया आप सबको पता ही लग गया होगा, मतलब अगर आप देख के आए हो वीडियो। तो यहाँ पे अगस्त का महीना भी खत्म हो गया है, सेप्टेम्बर में हम आ गए हैं। तो अगर हम जैसे कि एक दिन स्कीप करते हैं तो ये 5x पे चल रहा है, तो ये सीधा एक महीना स्कीप हो जाता है। तो हमने जो लास्ट एपिसोड में किया था वो देख के आ जाते हैं कि उसमें कुछ ग्रोथ हुई है या नहीं। हमको 35 पीस एग मिला है, ठीक है, फूड है इनके पास अभी, तो फूड वूड का कोई टेंशन नहीं है। पर ये एग दिए कैसे इन्होंने, क्योंकि हमने तो मुर्गी ला ली थी सिर्फ इसमें। और यहाँ पे हनी बीज भी है, नो हनी पैलेट लोकेशन प्लेस वन टू रिसीव हनी। तो हनी रिसीव करने के लिए हमको कुछ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे पेड़ वेड़ है तो उसके हिसाब से तो चलो सही लगाया हमने, उधर मुंह करके लगा। और यहाँ पे अभी गाय का देख लेते, अंदर घुस गया मैं, गाय ने दूध कितना दिया है वो देख लेते। तो भाई दूध तो बहुत सारा मिल गया हमको, हेल्थ भी इनकी 48% है, खाना है, पानी है, सब कुछ है। तो 408 लीटर दूध हमको मिल गया है। तो दूध और गेहूं हम बेच के पहले हम अपना लोन चुकाएंगे आज, क्योंकि हमारे लोन है 1,00,000 का। और हमने मतलब वो जैसे ही हम एक दिन स्किप करते या फिर एक महीना जो हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट भी लगता है इसमें। तो भाई समझ रहे हो तुम, जितना हम कमाएंगे उतना तो ये बैंक वाले ही ले लेंगे। तो हम पहले चाहते हैं सबसे पहले हनी बी के लिए जो पैलेट है वो लगाते हैं, क्योंकि हमको हनी चाहिए। यहाँ लगा सकते हैं आगे, पर ये तो रोड पे नहीं हो जाएगा, फिर थोड़ा सा इधर लगा दे, तो यहाँ लगा सकते हैं। चलो ठीक है, ये लगा दिया हमने। तो यहाँ पे हमको हनी मिली है 90 kg, अच्छा 21 लीटर है ये। ये काम अच्छा है भाई, इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लगाना है और रखना है इनको सिर्फ, बाकी ये खुद बे खुद काम करते रहेंगे अपना। और मुर्गी का भी अच्छा है भाई इनका, बस एक बार ये खाना डालो यहाँ पे, बस ये अंडे देते रहेंगे। ओ अंडे मत ले लेना कौवे। तो दूध और ये सब चीजें हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हमको एक चाहिए अभी कार, कार से जाना पड़ेगा गाइस। अरे चलना भाई, तो हम अपनी कार लेके चलते हैं अपने फार्म पे। पर यार दूध कैसे ले जाएंगे, दूध के लिए हमको भाई कुछ ना कुछ वो चाहिएगा। ये तो चल इसमें रख के हम ले जा सकते हैं, ई दबा के एक बार इसको उठा के रख के देखते हैं। उठा के इसमें रख सकते हैं क्या, रख तो सकते हैं, रख दिया मैंने एक ये। 21 लीटर है, 21 लीटर का पता नहीं कितना मिलेगा, पर एक बार देख के तो आते हैं कितना दे रहे हैं ये। ठीक है ये ओए ओए गिरा, गिराना नहीं है, चलो ये रख दिया मैंने इसमें। तो अंडे तो शायद बेकरी पे देने हैं, ये तो मेरे को पता है। और ये कोई फैक्ट्री है यहाँ पे भी दे सकते हैं, तो फैक्ट्री पे दे देंगे क्योंकि फैक्ट्री पे भाई पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो चलो पहले बेकरी पे देख के आते हैं क्या सीन है बेकरी पे, ये डायरेक्ट इससे दे सकते हैं या नहीं एक बार यहाँ पे दे। अरे सोल्ड हो गया, सीधा इसमें ले जाना था बस। हैं सिर्फ 115 रुपये मिले हमको इसके, बहुत कम रुपए मिले भी, मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा मिलेंगे, नहीं तो इस हिसाब से इसके भी बहुत कम मिलेंगे हमको। आज हम थोड़ा मतलब एक्सप्लोर कर लेते हैं सिटी, क्योंकि हमने कभी जब से आए हैं तब से हम यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ला के सिर्फ इसको रखना है ऐसे, इतने में वो सेल हो जाएगा। ये जैसे कि सेल हो गया 57, भाई बहुत कम मिल रहे हैं इसमें। तो मतलब सोच लो तुम कि हमको कितना ज़्यादा ज़्यादा लाना पड़ेगा तब जा कर के ये कुछ सेल होगा यहाँ पे। अब इसको यहीं रख देते हैं। और एक चीज़ ये देखते हैं कि हम कुछ उगा सकते हैं क्या इस वाले मंथ में। तो हम यहाँ पे वीट उगा सकते हैं, वीट का सही रहता है भाई वीट, या फिर हम सोयाबीन नहीं उगा सकते, हम कैनोला उगा सकते हैं। यहाँ से हम ये वाले ट्रैक्टर को ले चलते हैं, क्योंकि हमारा ये जो बाकी का जो बचा हुआ थोड़ा बहुत खेत है इसमें हम उगा देंगे कुछ ना कुछ। ये लग तो गया इसमें, एक बार देखते हैं। इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया है कैनोला उगाएंगे हम, तो इसको एकदम सही से लगाएंगे भाई, क्योंकि हम थोड़ा भी छोड़ना नहीं चाहते जगह। या फिर मैं वो वाले खेत में करूँ तो कैसा रहेगा, ये वाला खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है और हम इतने से में उगाएंगे क्या, क्या करेंगे यहाँ पे हम चीज़ें लगाएंगे। काम करते हैं हम वो वाले जो खेत है पीछे वाला उसमें लगाते हैं, और एक ये वाला खेत भी अभी खाली कर देंगे, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगा देंगे। कल्टीवेटर की मशीन है ये वाली लगा देते हैं, और हम कोई वर्कर को हायर कर लेंगे, क्योंकि वर्कर हायर करना ही सही रहेगा, क्योंकि हम अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो भाई सारा काम हमको ही देखना पड़ेगा। अगर कोई वर्कर यहाँ पे काम कर लेगा तो हम दूसरा काम देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करके हम वर्कर को दे देंगे, है ना, लोअर कर दिया, ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे कि आप देख रहे हो इधर कंट्रोल्स दिख रहे हैं सारा, तो ये देखो ये खुद बे खुद काम करेगा, एक वर्कर है इसके अंदर वो काम करता है इसमें। ये देखो अंकल जी है थोड़े दाढ़ी वाले, तो ये खुद बे खुद काम कर देगा। या फिर हम ये वाला भी लगा देते हैं, ठीक है यार, पर हमारे पास कल्टीवेटर तो एक ही है, तब तक हम इनको क्लियर कर देते हैं यार। इसका क्या काम है मेरे को ये देखना है, अगर किसी को पता हो तो भाई कमेंट करके बताना कि ये वाली बेल्स क्या काम की है। एक बार मैं देखता हूँ अगर कुछ मिल जाए इसके से रिलेटेड। तो थोड़े और रख देते हैं इसके अंदर, और एक साथ ही ले चलेंगे, अगर कुछ
नहीं काम आया तो भी वापस लाना ही पड़ेगा। तो अगर ये सेल हो जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने यार इतनी मेहनत लग करी थी इसके लिए भी, कितना सारा खर्चा करा था, याद ही होगा तुमको पिछले वाले एपिसोड का। चलो ये यहाँ पे मैंने सब रख दिए हैं, इधर कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब एक ट्रैक्टर में हमको जाना है, किसी भी ये वाले ट्रैक्टर सही रहेगा क्या, इसी में चलते हैं। चलो उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया, मेरे पे नोटिफिकेशन आया अभी कि सर मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, तो मैं एक बार जाता हूँ वही वाले पे। तो यहाँ पे इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, या फिर इस वाले खेत को भी अपन वो कर लेते हैं। तो ये वर्कर को दे देते हैं, वो करता रहेगा अपना काम। ये देखो भाई ये खुद से कर रहा है, ये पैसे लेता है काम करने के, मतलब जो अपन इनको हायर कर सकते हैं वर्कर को, ये खुद करते रहेंगे। और ये इनके बीच में अगर कुछ आता है, जैसे ये मशीन अगर साइड में पड़ी है, अगर ये इसके रास्ते में या फिर थोड़ा सा भी आया तो ये बंद कर देता है काम, इसलिए हम इनको थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि इसको दिक्कत ना हो काम करने में। चलो तब तक हम ये वाले में चलते हैं। पानी भी आ गया भाई यहाँ पे, अब बारिश हो रही है तो बारिश में हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वैसे अभी हमने ऐसा कुछ कर नहीं रखा, बस गायें वगैरह है वो पानी में भीग रही होगी, उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो हम ऑलमोस्ट आ गए यहाँ पे, अगर ये सेल हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना अगर ये सेल नहीं हुआ तो भाई बहुत बुरा लगेगा। अनफोल्ड हो गया, सेल हो गया, ये सेल हो गया भाई। चलो सब कुछ सेल हो गया, तो हमको इनके पैसे मिल गए, 1600 रुपये कुछ मिले। चलो कुछ तो मिला, मेरे को लग रहा था कुछ भी नहीं मिलेगा, पर चलो यार फाइनली हमने कुछ चीज़ सेल करी जिससे हमको पैसे मिले, शिट। तो अभी हमारे ट्रैक्टर में फ्यूल तो बहुत है और हमारे ट्रैक्टर को सर्विसिंग की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब भी हमको करना पड़ेगा गाइस। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये तो बस ट्रैक्टर चलाते रहो, आए ए टू जेड काम करने पड़ेंगे, हमारे सर्विसिंग का काम करना पड़ेगा। ये जो व्हीकल्स है, ये जो ट्रैक्टर वगैरह, ये गंदे भी होंगे, इनको हमको धुलवाने भी पड़ेंगे अगर गंदे होते हैं तो। उल्टे डैम पे अनागोरी डैम पे अगर दूध बेच के हमको मिल जाए 30-40 हज़ार तो शायद हम फिर अमीर हो सकते हैं। बारिश में भी वो काम कर रहा है, बहुत आगे जाएगा। चलो इसको यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो वाला जो काम है अपना सीडर वाला काम, वो हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने सीडर लगा लिया है, बस अब इसको ऑन करके चालू करना है। तो उसने भी अपना काम उधर कंप्लीट कर लिया है, सबसे पहले अनफोल्ड करा हमने इसको, अनफोल्ड हो गया ये, उसके बाद टर्न ऑन। देखो इसको करना क्या है, यहाँ से इसको लो करना है, लोअर। अब होगा वो काम शुरू, वही तो मैं कहूँ, हो क्यों नहीं रहा। तो यहाँ से हमको सीधे सीधे चलाना है ताकि हमारा सारा लग जाए इसमें, 100% लग जाए। क्योंकि भाई ये वाला काम मेरे को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं AI को ये काम दूंगा तो वो क्या करेगा, जो इसके अंदर जो सीड है वो वाली यूज़ नहीं करेगा, वो अलग से पैसे लगेगा, सीड के पैसे भी वो मतलब अपने बैलेंस में से कटते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपना काम ये वाला खुद ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे V दबा के एक बार मैं करके बताता हूँ आपको, जैसे F1 दबाया मैंने, ठीक है। तो अभी जैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप नीचे अपना वो बाड़ देख रहे होंगे, वो धीरे धीरे कम, वो जैसे अपन इसमें भरते जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ये देखो है ना, 89 हुआ। अगर अब मैं इसको AI वर्क हायर करवा दूँ, मान लो ये कर रहा है, ठीक है खुद। अब एक बार देखता हूँ कि क्या ये हमारे पैसे उसमें से कट रहे हैं या नहीं। अगर ये 589 लीटर से थोड़ा भी कम हुआ तो समझ लेंगे कि ये अपने इसमें से यूज़ कर रहा है, अगर ये इसमें से यूज़ नहीं करेगा तो समझ लो कि भाई ये पैसे ले रहा है। बिल्कुल पक्का यकीन हो गया अब कि ये इसमें से नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसको डिसमिस कर देते हैं, अपन खुद ही करते हैं, ठीक है। सो गाइस ये वाले खेत में हमने सीड लगा दी है कैनोला की, अब ये वाले फार्म पे भी लगा देते हैं। तो हमारी 95% अभी बाकी है। और यार भाई ये आधा क्यों करा है इसने, आधा ही काम करा है कि इसने ये। चलो एक बार वो वाले ट्रैक्टर में जाता हूँ मैं, ये वाले में, ये वाला काम पूरा क्यों नहीं करा इसने, समझ नहीं आया मेरे को। तो देखो वो उसने काम स्टार्ट कर दिया अपना, अपन भी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, टर्न ऑन सीडर। और यहाँ पे अपना, यहाँ पे इस वाले खेत में भी हम अपनी सीड लगा रहे हैं। अगर ये जैसे मान लो ये सीड ख़त्म हो जाती है तो ये सीड भी हमको ख़रीद के लेके आनी पड़ेगी। अभी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी सीड हैं तो हम फ्री में अभी लगा सकते हैं। वैसे हमको फर्टिलाइज़र इसमें डालना पड़ेगा, वो वाला काम तो हमको करना ही है, पर वो थोड़ा उग जाएगी फसल उसके बाद हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। ये शायद इसी की पेमेंट लेते हैं, जो काम करा है इन्होंने उसकी पेमेंट लगती है शायद, जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो पैसे लेते हैं। भाई बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है और हमारा ये काम मतलब ख़त्म होने आ गया है ऑलमोस्ट। तो गाइज ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी हम इसको इधर रख देते हैं, इस वाले ट्रैक्टर को। तो हमने दोनों खेत में अभी लगा दिए,
सरसों यानी कनोला। और एक और चीज़ ये कि बारिश भी बंद हो गई है, बारिश हो रही थी बहुत देर से, जब तक हम काम कर रहे थे तब तक बारिश हो रही थी, अब बारिश भी बंद हो गई है। तो अब यहाँ पे एक बार जाके देखता हूँ मैं स्टोर पे कि मिल्क वाला काम का क्या सीन है। जो पिछले बार जो टैंक खरीदा था उसमें सिर्फ पानी ही हम स्टोर कर सकते हैं या फिर उसमें पानी ही ले जा सकते हैं, ये वाला जो है इसमें हम पानी भी ले जा सकते हैं, इसमें हम दूध भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये 25,000 यूरो का है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर हम उसको सेल भी कर देंगे तो भी हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि हम इसको खरीद ले, तो हम इसको लीज पे ले लेते हैं जो कि 1200 रुपये में हो जाएगा। क्योंकि शॉप पे हमने एक ये अपना पहले से ट्रैक्टर रखा हुआ है जॉन डीर का, वो मिल्क एक बार सेल करके आते हैं। लेकिन ये देख सकते हो अपन इसको कितना भी जूम कर सकते हैं भाई, इतनी दूर से भी हम इसको देख सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपने फार्म पर और यहाँ पर अब देखते हैं कि ये कुछ ऑप्शन आता है या नहीं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो 658 लीटर हमारा जो मिल्क है वो आ गया है। अब एक बार यहाँ जाके देखते हैं यहाँ पे कितना है। यहाँ पे अभी 0 बता रहा है, तो मतलब इसमें भर लिया है हमने। ठीक है, तो बेकरी पे चलते हैं। ठीक है, बेकरी पे हम ये दे देते हैं। तो 658 के हमको शायद 2-3 हज़ार रुपये मिलेंगे मेरे को लग रहा है। मेरे को लगा था 25-30 हज़ार तो मिलने चाहिए, इतना सारा लीटर दूध है। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ पे बेच देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरलोडिंग सेल कर रहे हैं, हमको मिले हैं 1500 रुपये। मेरे को लगा था भाई दूध वूध बेच के तो पैसे फुल मिल जाएंगे, तो हमने कितनी सारी चीज़ें बेचने के बाद भी हमारे पास सिर्फ 7,000 रुपये ही हैं और हमारे पास जो गेहूं बचा है अब अपन चलते हैं उसको सेल करने। ठीक है, आज सारी चीज़ें सेल कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं और आगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। पहले हम चलते हैं अपना वो कहाँ गया ट्रैक्टर, जहाँ पे हमारी ट्रॉली पड़ी थी, वो पड़ी हमारी ट्रॉली, तो इसको अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, उसको ले चलते हैं ट्रॉली को। तो अभी हम चलते हैं गेहूं को सेल करने के लिए, गेहूं का क्या सीन है वो देख लेते हैं। ये गोल्ड क्रिस्ट वैली, इसमें हमको सेल करना है, इसको एक बार टैग करते और इसको देखते कहाँ पे है ये। और अब हम जा रहे हैं, अपने पास जो गेहूं बचा है थोड़ा बहुत मैंने स्टोर कर दिया अपने घर पे और थोड़ा बहुत यहाँ पे ले आया हूँ मैं सेल करने के लिए। गोल्ड क्रिस्ट वैली ऐसा कोई नाम से है वो शायद, तो वो कैसे सेल करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे अनलोड का ऑप्शन है क्या? देखो यहाँ पे अनलोड का ऑप्शन है एक, तो हम यहाँ पे कर देते हैं अनलोड। ठीक है, ये अनलोड कर दिया मैंने, लेकिन इसको अनलोड करने के बाद भी हमको यहाँ पे अभी पैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ ये जो है हमको एक ट्रेन रेंट करनी पड़ेगी तब जाके हमको इसके पैसे मिलेंगे। यहाँ पे हम इसको बस एक बार अनलोड करके और सामने जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से एक ट्रेन को रेंट करना है। देखो यहाँ पे मैंने रेंट कर दिया है, तो ट्रेन यहाँ पे आने वाली है, बहुत ही पास में है ट्रेन, ये आ गई ट्रेन। और इस ट्रेन को आते से हमको सिर्फ एक बार ड्राइव करना है, ये देखो यहाँ पे लाके रोकना है और इसको स्टार्ट फीलिंग करना है। ये सारा अपना जितना भी था वीट यहाँ पे दिखा देगा और देखो फील हो गया सारा, तब जाना है इसको चला के थोड़ा सा। यस, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, ट्रेन विल नाउ ड्राइव टू गोल्ड क्रिस्ट वैली एंड विल रिटर्न ऑन द अदर साइड ऑफ द मैप, डू यू वॉन्ट टू ट्रेन टू सेल? यस यस कर दो। और यहाँ पे हमारे पैसे आ गए हैं, देखो हमारे सिर्फ $45 लगे हैं उसके ट्रेन के और हमको 2600 रुपये के आसपास हमको मिल गए। लेकिन अब हमारा जो ट्रैक्टर वो यहाँ पे पड़ा है, अब यहाँ से हमको ड्राइव करके वापस घर जाना है। सो गाइज, हमने अपनी जो जितनी भी गेहूँ फसल जो थी पहली वो हमने सेल कर दी है, उसके हमको 2500 या 2600 रुपये मिले, थोड़ी बहुत हमने सेव कर ली इसमें मुर्गी के लिए। और इसके अलावा हमने क्या क्या काम किया, यहाँ पे एक हमने एक सरसों की फसल उगाई है, ये देख सकते हो यहाँ पे उग गई है थोड़ी बहुत। हम एक बार देख के आ जाते हैं अपने जो हमने पाल रखे हैं। अरे ये बाहर कैसे आ गया, इसको अंदर कैसे ले जाना है? चलो कोई बात नहीं, घूमने दो थोड़ा। मेरे को लग रहा है कि यार ये 627 लीटर होता है और ये फुल हो जाता है, उसके बाद हम इसको वापस से मतलब वो सेल करने के लिए भेज सकते हैं। तो गाइज, अभी फ़िलहाल के लिए हमने जो जो काम करे हैं वो आपने देख ही लिए हैं कि हमारे पास गाय हैं कुछ जो कि अच्छा खासा दूध दे रही है, इसको खाना चाहिए था, खाना हम दे चुके हैं, तो 639 लीटर दूध अभी ये दे चुकी है। और एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस दूध को हमको सेल करने के लिए बार बार बेकरी जाना पड़ता है। यहाँ पर 148 हमारे पास अंडे हो गए हैं और हमारे पास हो गई है हनी हो गई है हमारे पास 400 लीटर, अब ये शायद फुल हो गया है, इसको हमको बार बार सेल करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैं फ़िक्स करूँगा कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत आसानी से हो जाए ऐसा कुछ करेंगे। तो फर्टिलाइज़र जो है इसके नेक्स्ट एपिसोड में यूज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताना, हम
फार्मिंग सिम्युलेटर 25 भी ट्राई करेंगे, क्योंकि वो अभी लॉन्च हुई है और मेरे को शायद ख़रीदना भी पड़ सकती है वो अगर नहीं मिली कहीं पे। तो अगर आपको पसंद आएगा तो ही मैं ख़रीदूँगा, वरना अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स नहीं आया तो शायद ही ख़रीदूँगा। तो इन दोनों पे हम इसको करेंगे पहले फर्टिलाइज, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में उनका भी देखेंगे कि उनका क्या करना है, और एक कॉन्ट्रैक्ट करके देखेंगे कैसा है दूसरों के फील्ड में काम करना है कुल मिला के, और हमको अपना लोन चुकाना है इसके बाद वाले एपिसोड में। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें इस गेम में करने के लिए। अगर आपको और मेरे को भी मज़ा आया तो खेलेंगे, वरना मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।